मुझे अपना मुल्क छोड़े पूरे 2 माह हो चुके हैं जी। आज 4 अक्टूबर है और मैं आज के दिन और आज की डेट में अपना पाकिस्तान छोड़ के तो ठीक है। बड़ी लंबी शिफ्ट होती है, टाइम ही नहीं मिलता। बस यार जिंदगी से लेना है बाबा जी। आज आपको अच्छा जी, ये हम लोग ग्राउंड के अंदर आके बैठ गए हैं, जिधर एक टीम बाहर खड़ी है और एक टीम वो ग्रीन वाली जो है वो बाहर है। इन दो टीमों का भी इसके बाद मैच है, एक टेट्रा ब्रिंक और एक टेट्रा टॉप। और ये तो अपना खेलते रहेंगे, पहले पेड़ पूजा फिर बाकी निज़ाम देखेंगे। ये तो खेल रहे हैं, मैं बैठ के खा रहा हूँ, पापा भी अपना इंजॉय कर रहे हैं। ये तो बंदा लेट गया, ये तो हो गया जख्मी, जिस बेचारे के साथ हो गया हादसा जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जिंदगी बाय जाफर सज्जाद। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे, सेहत तबीयत मिजाज आपके ठीक ठाक होंगे, लेकिन आप मेरे साथ शदीद किस्म का नाराज भी होंगे और सारा कुछ होगा कि ना व्लॉग रूटीन में आ रहे हैं ना कुछ और सीन हो पा रहा है। आज मुझे अपना मुल्क छोड़े पूरे 2 माह हो चुके हैं जी। आज 4 अक्टूबर है और मैं आज के दिन और आज की डेट में अपना पाकिस्तान छोड़ के तो प्रदेश में आ गया, बैठ गया। फिर अभी तक हम ट्राई कर रहे हैं और ट्राई करते रहेंगे, कर रहे हैं। जॉब के बारे में कोशिश है कि जैसे एज सून एज पॉसिबल जल्दी मिल जाए, सारा कुछ हो जाए, तो अभी तक कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है जब बंदा आता है उधर सुनहरी ख्वाब और दिखाए जाते हैं, इधर आके औरत है, ये लटन पटन बहुत सारी बातें हैं, ये फिर कभी बैठ के करेंगे। बहरहाल अभी कुछ इस तरह का है कि 10-11 दिन बाद मैंने दोबारा व्लॉग बनाना शुरू किया है। कुछ अंदर ऐसी मसरूफियात आ गई थी, कुछ ऐसी बातें आ गई थी जिनकी वजह से मेरे पास टाइम ही नहीं बन पा रहा था व्लॉग को शूट करने का, व्लॉग को एडिट करने का। और अब आपको देख रहे हैं, मैं उधर देख रहा हूँ, बात इधर कर रहा हूँ, वो बात इसलिए उधर देख रहा हूँ कि एक दो व्लॉग्स में पीछे जो है ना मेरी स्क्रीन जो है उसका मसला बन रहा था। तो भारत अब जो है हम लोग कहीं निकल रहे हैं, पापा की पूरी एक वीक से नाइट शिफ्ट थी, वो रात को ड्यूटी पे थे, दिन को आके सो जाते थे, मसला हो जाता था निकलना। तो आपके भाई ने अब लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया है और बहुत सारे काम शाम हैं, वो फिर कभी बैठ के जब आपकी भाभी आ जाएंगी ना तब बैठ के सुकून से डिस्कस करेंगे उनके बारे में, ठीक है जी, मसलों के बारे में, उनके बारे में। तो अब चलते हैं जी, पापा को अंकल भट्टी की कॉल आई है कि एक ऐसे ऐसे मैच है तो आपने आना है तो आ जाएं, तो चलते हैं। उन्होंने बताया कि बास्केटबॉल का मैच है, मैंने कहा चले आपको भी दिखाते हैं हल्का फुल्का, काफ़ी दिन हो गए आपसे मुलाकात भी नहीं की, तो चलते हैं और कोशिश करते हैं जो हमसे हो सकता करेंगे। कैप उठा ली जाए, पहन ली जाए, तो चलो जी। चलो जी बंद करो, चलो जी। अच्छा जी हम लोग निकल आए घर से, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, ठीक है? मुर्शिद पीर मुर्शिद साहब, आपकी बड़ी लंबी शिफ्ट होती है, टाइम ही नहीं मिलता। बस यार जिंदगी ऐसे जाना, जिंदगी से लेना है बाबा जी। आज आपको पता है 2 माह पूरे हो गए हैं मुझे अपना वतन छोड़े हुए, आज पूरे 2 महीने हुए। आज 4 अक्टूबर इस महीने में 2 महीने पूरे हो गए हैं। तो अब आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं जी? यार इधर मेरे वो दोस्त हैं, उनका मैच है बास्केटबॉल का, वो देखने जा रहे हैं। बास्केटबॉल का मैच है तो इन्होंने कहा आज वो आपको सैर सपाटा भी कराते लाएं, साथ मैच भी दिखाते लाएं। और आपका भाई उठे और चल पड़े, मुंह हाथ धोया और चेंज किया, निकल पड़े हैं। तो अब देखते हैं कि वो कहाँ पर है और क्या ग्राउंड है और क्या हिसाब किताब है, क्या सी टीमें हैं बास्केटबॉल में, कितने वो अप एंड डाउन करने पड़ते हैं, सारा देखते हैं जाके। भाई जान ये जो रोड नज़र आपको आ रही है ना जी, ये रोड हमारे बहुत पुराने घर को जाती है। जब मैं 5 क्लास में था तब उधर आपने कर लिया हुआ था, वो कौन सा इलाका था? इसको किलो 5 बोलते हैं, किलो 5 किलो 5 जी, किलो 5 और वो पुराना मक्का रोड है, इधर ही था ना वो घर हमारा, वो थोड़ा आगे है, ये वहाँ ये रोड वही है, रोड वही है, रोड वही है। यहाँ से हम लोग कबाबे से होके तो सामान वगैरह लेके तो हम लोग जो है
जाते थे, वापस घर जाते थे। इशारा था आप इधर अंडरपास हो गए, अब काफी चेंजिंग्स आ गए हैं, सिग्नल्स खत्म हो गए हैं और सारी ब्रिजेस और अंडरपास आ गए। अंडरपास आ गए, बहुत बड़ा। ये देखिए, अब दिखाते हैं, मैं आगे बता दूंगा घर उड़ा जाएगा। ये जो है अंडरपास आ गया, पहले यहाँ पर एक सिग्नल था, सिग्नल खत्म हो गया, अब ये अंडरपास है विदाउट एनी स्टॉप, आप कंटिन्यू अपना सफर कंटिन्यू करते रहते हैं। One hour later. चलो जी, आ गई जगह जिधर मैच हो रहे हैं इनके, और देखते हैं कि अंदर जाके क्या सीन है। पापा के दोस्त भी सारे आए हुए हैं, चलते हैं अंदर देखते हैं। पापा ने सही गाड़ी का जोर लगवाया, वो आ रही है। अच्छा जी, ये हम लोग ग्राउंड के अंदर आके बैठ गए हैं, जिधर एक टीम बाहर खड़ी है और एक टीम वो ग्रीन वाली जो है वो बाहर है। इन दो टीमों का भी इसके बाद मैच है, एक टेट्रा ब्रिंक और एक टेट्रा टॉप, और बाकियों का मुझे नाम नहीं पता अभी। और ये कमेंट्री वाली बॉक्स बैठे हैं, और ये पापा इंजॉय कर रहे हैं, ये पापा के फ्रेंड बैठे हैं साथ, अपनी अपनी फैमिलीज लेके आए हुए हैं, और ये अपना अपना जो है पूरा मैच हो रहा है। ये देखिएगा, नसो बाल लाके नसो। लो जी, देखिएगा जब गोल होगा, गोल होगा या बॉल उसके अंदर डालेंगे, देखिएगा। ये टेट्रा ब्रिंक ब्रिंक ये टेट्रा ब्रिक हाँ टेट्रा ब्रिक और टेट्रा टॉप जो है वो मैच में थी, लेकिन जीत गए। लेकिन ब्लू वाली टीम जो है टेट्रा टॉप जो है वो जीत गई है। ये देखिए, अपनी अपनी फैमिली के साथ लोग लेके आए हैं एंजॉय करने के लिए। ये साथ कैमरा मैन साहब हैं। अच्छा, ये टीम जो हैं ये अपने अपने फोटो शूट्स वगैरह करवा रही हैं, जिन्होंने कहा अब मैच होने लगा है, ग्रीन वर्सेस ऑरेंज है। अब इनमें पापा के दोस्त ग्रीन में भी हैं और ऑरेंज में भी हैं, देखिए वो क्या निज़ाम चलाते हैं। और पापा जो है वो वहाँ से अलबेग लेने चले गए, साथ खाना पीना भी ज़रूरी है और बाकी निज़ाम भी। अंकल भट्टी को आप देख रहे हैं, फुल अपना इंजॉय कर रहे हैं मैच को। तो लेट्स सी, जब हम लोग थे तब ये क्रिकेट का ज़्यादा था टाइम, तो क्रिकेट हम लोग ज़्यादा इंजॉय करते थे, शौक भी था। ये बास्केटबॉल फुटबॉल ये अभी सीन ऑन हुए हैं, तो लेट्स सी अब इनमें से कौन सी जीती है। पहले ब्लू वाली टीम जीती है, और अब ये तो अपना खेलते रहेंगे, पहले पेड़ पूजा फिर बाकी निज़ाम देखेंगे। ये तो खेल रहे हैं, मैं बैठ के खा रहा हूँ, पापा भी अपना इंजॉय कर रहे हैं। आपको ये नज़र नहीं आए थे और देखते हैं ये क्या कारनामा अंजाम देते हैं। इनकी हाइट है कोई गोल मोहन सिर करने, बात तो सही है। खाना शाना मैंने खा लिया, अब मैं सुकून से बैठ के जो है ना इनको देखता हूँ। ट्राई करो इसे, ओ लो जी इन्हें खेड़ लिया, मैं साहब ला लिया, ये हूँ बाहर कटन जोगे नहीं रह गए। गोल हो गया जी, गोल तो बस फुटबॉल में होता है, बास्केटबॉल में क्या होता होगा। ये मुझे लग रहा है जो मैच है ना ये ग्रीन वाली जीतेंगे, क्योंकि ये इनको फिर भी कोई है। ओ तेरी खैर, वाह बाबा वाह, बहुत तेरी खैर हो गई, छा गया बाबा, बाबा जी जनाब छा गया, बाबा चला रहे अपने मजे से इंजॉय कर रहे हैं, और सही गेम जो है उठा के ग्रीन वालों ने रखे अभी तक, अभी तक इनकी इनका नहीं हुआ सीन कोई ऑन, अभी तक नहीं हुआ। ये तो बंदा लेट गया, ये तो हो गया जख्मी, जिस बेचारे के साथ हो गया हादसा। लो पापा तो ऐसे जा रहे हैं डॉक्टर, अब ग्राउंड में अमन शांति हो, दफा इंजर्ड हो गया बंदा, अब उसके ठीक होने का इंतज़ार करते हैं। ये अंकल भट्टी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पापा के दोस्त हैं, बच्चों की फिर चली जाती है, अंकल भट्टी की एक में गई।
पास करो मेरा ख्याल है, गले से रह आ जाओ आ जाओ। मुझे वैसे जी है ना आपस की बात है जी कि अंदर हो के बाहर आ गए, अब ग्रीन वालों की बात क्या है, ये बाबे ठीक है भाई आज ठीक हो गया, ट्रेन आ गई है। ये मेरा ख्याल है जी टाइम आउट हुआ है और टाइम आउट हुआ ऐसे लगता है ट्रेन आ गई है भाई। मैं तो आ गया हूँ बाहर क्योंकि मुझे कोई समझ नहीं आ रही है लोग क्या कर रहे हैं अंदर, पाँ पाँ बज लगी हुई है मैच, ये भी खैर ख़त्म हो गया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही इनके रूल्स की, सीटियां मारते हैं, धक्का दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बाहर मैच ख़त्म हो गया है। मैंने कहा बाहर आपको स्विमिंग पूल का भी नज़ारा दिखा दिया जाए, ये देखो स्विमिंग पूल भी है, ये बड़ा अच्छा हॉल है, उस साइड पर इनकी जिम है, यहाँ स्विमिंग पूल है और अंदर कॉर्ट बने हुए हैं जहाँ बास्केटबॉल ये लोग खेलते हैं, ठीक है मज़े का है। लेकिन जब वो रूल्स आपको ना पता हो तो फिर मेरा ख्याल है आपको कख नहीं पता होता, उस हिसाब की तरह मुझे भी कख नहीं पता लगा इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, एक बॉल जाती थी 5-10 पॉइंट बढ़ जाते थे। अब मैं बास्केटबॉल पे जो है मेरा दिल है कि मैं इस पे पढूं कुछ कि इसको कैसे रूल्स हैं क्या असूल हैं क्या वाकयात हैं। तो बाकी क्रिकेट वो मैं खेल लेता हूँ, वो जब टूर्नामेंट होगा तो वो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर किया जाएगा, जब लास्ट हम लोग इधर होते थे तब वो इंजॉय करते थे। तो मैच इनका ख़त्म हो गया, निकलते हैं मिलजुल के पापा के दोस्तों को, तो फिर वापसी घर निकलते हैं। A few moments later. चलो जी गड्डी बबी है, अब मैं चलाता हूँ, पापा साथ बैठते हैं क्योंकि ज़रा जो है ना अब रात वाली ड्राइव है, अब बंदा खुद भगाए तो वो बेहतर होता है। ये पापा के दोस्त हैं, ये बास्केटबॉल खेलते हैं। थैंक यू पापा, अपने दोस्तों को एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग जी घर पहुंचे हैं, मैं ड्राइव करने लगे था तो ड्राइव के टाइम जो है ना वो गाड़ी अलाउ नहीं, फ़ोन अलाउ नहीं है यूज़ करना, तो इसलिए जो है मैंने मोबाइल फिर पॉकेट में डाल लिया। घर पहुंचे हैं, बास्केटबॉल का मैच देखे, हल्के फुलके रूल समझ आ गए हैं कि इसमें क्या निज़ाम चलता है, लेकिन आगे कह रहे हैं कि टूर्नामेंट क्रिकेट का भी आ रहा है, बैडमिंटन का भी आएगा, तो उसमें आपका भाई जो है ना पापा को कहा है कि आप पार्टिसिपेट करें, आपकी जगह रिप्लेसमेंट पे मैं खेलूँगा, तो कह रहे हैं कि ठीक है, तो उसमें मज़ा आएगा और एंजॉय होगा। और पापा जो है इस टाइम न्यूज़ अपनी देख रहे हैं कि क्या रिपोर्टें हैं जी, रिपोर्टें गंडा पोर गंडा पोर। तो उम्मीद है आपको हल्का फुल्का काफ़ी दिनों बाद मेरा बूथा पसंद आया होगा, व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर दबा दें, टिंग टॉन्ग लाइक शेयर ज़रूर करेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह को कल एक नए व्लॉग के साथ एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गंडापुर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मैं ये खेल रहा हूँ ये सनी क्राइज।